शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। केसरिया बालम आओ हमारे देश। बस अब तो यही दुआ करो रुकमे के मेरी सारी तस्वीरें पिक जाए। आप चिंता ना करो ठाकुर सर, आपने इतना मन लगाकर काम क्यों है, गाना था के आशीर्वाद से आपकी सारी मेहनत सफल हो जाती, संभल कर जाना। सर रुक्मी जरा सुनो तो मुझे बताओ ना, इन दियों में मैं कौन से रंग भरूं? तुम मेरी मदद करोगी ना तो मेरे ये दिए भी तुम्हारी मूर्तियों की तरह ही सुंदर दिखेंगे। गणिकम्मा भज गोविंदम, कहिए क्या चाहिए आपको? मारे को आश्रम के अधिकारी जी से मिलना है। जी वो सत्यव्रत जी हैं, वही मठ का कामकाज देखते हैं। भज गोविंद। जी जी के रुक्मी जी जी ने हमारी याद ना आती होगी। अरे अब काहे उस मनुष्य को तुम दोनों की याद आवेगी, वो तो आठे से मुंह खाला करके खुश होवेगी, उसका स्वार्थ तो पूरा हो गया। ठाकुर साहब हमारी रसाड़ की जिंदगी से हमेशा वास्ते चले गए, यही तो चाहती थी वो, जलती थी हमारी रसाड़ की खुशी से, क्योंकि ठाकुर साहब उससे नफरत करते थे। उसी करम जली ने नजर लगाई हमारी रसाड़ की गृहस्थी को, तभी तो ये दिन देखना पड़ा। बस माँ, जो हुआ उसमें उसमें चीजी का के दोष? हमारी चीजी स्वार्थी ना है, खबरदार जो हमारी चीजी के बारे में ऐसी बातें की तो जी भगवान भी आकर मारे से कहेंगे कि चीजी ठाकुर साहब को मारे से छीनना चाहती थी, फिर भी मैं उनकी बात ना सुनूंगी। हरे को भगवान से भी ज्यादा अपनी चीजी पर भरोसा है, रुक्मी चीजी मर जाएगी, अपनी रसाल ने कभी दुख ना देवेगी। बिना नहीं तुम्हारे साथ जीना चाहता हूं, हमेशा हमेशा के लिए। हाँ तो ठीक है, मैं वहां जाकर आपके लिए सब व्यवस्था करता हूँ और गुरु जी के आने का इंतजार करता हूँ। भज गोविंद। भज गोविंद। भज गोविंद। कहिए श्रीमान, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? जी मैं ठाकुर मदन सिंह, 10 दिन पहले मेरे जवाई साहब सड़क से धार गए, उनकी आत्म शांति के लिए मैं यह मठ में कुछ दान करना चाहता हूँ। ठीक है जी, मेरी बेटी माँ बनने वाली है और इस हालत में अपने बींद के जाने का सदमा उसे तोड़ रहा है, इसलिए मैं गुरुजी से मिलकर अपनी बेटी के लिए आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। हो सके है गुरुजी के आशीर्वाद से मेरी बेटी के मन को कुछ शांति मिल जाए। आप चिंता मत कीजिए, भगवान सब ठीक करेंगे, अभी गुरुजी ध्यान धारणा में लीन है, उसके बाद सामूहिक भजन होगा, उसके उपरांत ही गुरुजी आपसे मिल सकेंगे। ठीक है मैं बाट देखूंगा। पैसे दान का सामान कहाँ है? जी वो गाड़ी में है। ठीक है मंगवा लीजिए, मैं रखवा देता हूँ। जाओ सारा सामान लिया हो गाड़ी में से,
आप उस पेड़ के नीचे विश्राम कीजिए। भज गोविंद। मूर्ति मारी रुक्मी भी बनाती थी। सुनो, ये मूर्ति किसने बनाई है? मठ की एक साध्वी बहन ने। हमारे यहाँ और भी चीजें बनती हैं, लोबान, अगरबत्ती, दिए, भज गोविंद। तो अभी भी दुखी है? तेल लगा दूं? ना, अब भी मन मानने को तैयार ना है कि रणवीर हम सबके बीच में ना है। एक रणवीर ही तो थो जिस पर मारे को पूरा भरोसा थो। इस हवेली की नींव थो मारो रणवीर। हमारे बाद इस हवेली का क्या होवेगा ये मैं सोच भी ना सकूं। आप ऐसा कहीं कहो, दीप है, आप ऐसा सोचो हो तो उसे कितना बुरो लगेगो। सोचने से सच्चाई तो ना बदल जाएगी ना गायत्री। दीप कभी भी रणवीर की जगह ना ले सकेगा। आप ये सब ना सोचो। ला, मैं चाय गर्म कर लाऊं। गायत्री जी, दीप जब मठ से आ जाएगा तो उसे हमारे पास भेज देना, माने उससे कुछ बात करनी है। आप मठ तो समधी जी गए हैं। मदन सिंह जी, तो फिर दीप कटे है अपने कमरे में, मैं बुला लाऊं? इस गायत्री का दीप तो करो अब काम से। अरे मामा सा, काय दरवाजा खटखटा रहा हूं, आ जाओ अंदर। मैंने थारे को एक जिम्मेदारी दी थी, वो भी थारे से पूरी ना हुई। अठे आराम से शराब पी रहे हैं और बेचारा मदन सिंह अठे मठ में सामान लेकर गया है। मैंने थारे को कहा था कि मठ में जाकर दान कर, और तूने वो काम मदन सिंह को सौंप दिया। थारे बाप की बात की, थारे नजरों में जरा भी कीमत ना है। पुण्य का एक काम भी ना कर सके। पापा साहब, हमारी बात मत कहे मन ने। पापा साहब, अपने बाप को तू मान देना ही भूल गया है। शर्म आती है मने थारे को अपना खून कहते हुए। थारे जैसा बेटा होने से तो बे औलाद होना ही अच्छो है। ये क्या अशुभ बोलो हो ठाकुर साहब, कहीं से इतना डांटो हो? अब इसकी और तरफदारी ना कर तू, थारी शय ने बिगाड़ दिया है इसे। क्यों इस खानदान की इज्जत उछाल रहा है तू? ना तू ऑफिस में हाथ बटावे
और ना घर की कोई जिम्मेदारी निभावे है। अपने ठाकुर होने का नाजायज फायदा उठा रहा है तू। ठाकुर साहब शांत हो जाओ, इसे घड़ा दुख है। हाँ, दुख है, इसलिए तो ये शराब पी रही है। अरे दुख तो उसे हुए है जिसे दूसरों की सुख की चिंता हुई है। इसे कोई दुख ना है, इसे तो बस पीने का बहाना चाहिए। पर आज पानी माथे से ऊपर बह गए और इसका हुक्का पानी बंद। क्रेडिट कार्ड्स, बैंक अकाउंट, एक फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी इसे। आज से तू ऑफिस में एक मामूली मुलाजिम की तरह काम करेगा और तनख्वाह कमाएगा। जितने घंटे तू काम करेगा उतना ही थारे को वेतन मिलेगा। ये मारो हुक्म है। ठाकुर साहब, एक शब्द भी और बोली ना जुबान खींच लूंगा। अब देखो, इस तरह आराम करके दिन रात दारू पीने और अय्याशी करने वास्ते पैसे कठे से आवेंगे। दीप, ये क्या कर रहे तू? मामा साहब, पता लगाओ कि मारी चुगली किसने की। गायत्री ने। इसका तो काम ही है चुगली करने का, फिर जाके उसकी खबर लू। अरे चीची, गायत्री जैसी छोटी समस्या तो चुटकी में सुलझ जाएगी, पर पैसे की बरसात बरसना बंद हो गया तुम्हारे भांजे के जीवन में सूखो पड़ जाएगा। इसलिए सबसे पहले जाके जीजोसा को ठंडा करो, समझो? लेट्स गो। अब समझ में आया तन्ने कि मारे को रणवीर की कमी क्यों खले? दीप तो ना होने के बराबर है। मारी समझ में ना आवे है कि उस छोरे के दिमाग में अकल कैसे डालूं। आप शांत हो जाओ ठाकुर साहब, धीरे धीरे दीप संभल जावेगो। कब गायत्री, कब? मारे मरने के बाद? सब सब बोलो ठाकुर साहब। ठाकुर साहब, आपने बिना कुछ जाने दीप को डांट दिया। सच के है ये तो? सच तो ये है कि थारो सपूत अपने ही हाथों से अपनी जिंदगी बर्बाद करे और तू उसको सुधारने की बजाय उसकी गलतियों पे पर्दा डालने की कोशिश कर रही है। कब तक अपने बेटे के प्यार में अंधी बनी रहेगी चंचल, कब तक? ठाकुर साहब, हमारी बात तो सुन। मने कुछ ना सुनो है, ये सारो दोष थारो है। समय रहते हुए तूने जे अपने छोरे को संस्कार दिए होते तो बात आज अड्डे तक ना पहुंचती। लेकिन तू अपने बेटे को संस्कार देती कैसे, क्योंकि तू खुद अपने संस्कार भूल चुकी है। हवेली की वारिस की खातिर मैंने थारी जैसी औरत से ब्याह किया, यही मारी जीवन की सबसे बड़ी भूल थी। उषा की बात को कड़े जैसे न लगा चंचल, गुस्से में क्या बोल रहे थे वो? थारे को मारे और मारे बीन के बीच में बोलने की कोई जरूरत ना है, समझी? ये सारी आग थारी लगाई हुई, तूने ही मारे दीप के खिलाफ ठाकुर साहब के मन में जहर घोलियो है। अपने छोरे पर कोई उंगली उठाए तो कैसा लागे है ये थारे को कैसे समझ में आवेगा? थारे को तो दीप की खुशी मिटाने में ही संतोष मिले है, तुम्हारे और दीप के प्रेम से जले है, इसीलिए भगवान ने थारे को बांच रखा है। बांच? कैसे भागो बाप हूं मैं, मारी एक छोरी न जाने कटे भटक रही है, दुनिया की ठोकरें खा रही है, और दूसरी के खेलने के दिनों में मांग उजड़ गई। न जाने कौन सो पाप किया तो मैंने, जो मारे को आज यो दिन देखना पड़ रहा है।
अरे मैं तो इतना मजबूर हूँ कि थारे से शिकायत भी ना कर सकूं, कब सुनेगो तुम्हारी, कब मने भाई रुक्मी को पतो मिलेगो। मदन सिंह जी, भजन शुरू होने वाला है, आइए आप भी आनंद लीजिए। नमन कर रहा हूँ तुझे, मैं समर्पित जन्म कर रहा हूँ। मैं हूँ तेरा बेटा, मैं हूँ तेरा बेटा, नमन कर रहा हूँ तुझे, मैं समर्पित जन्म कर रहा हूँ। मेरी शान रखना, मैं दर पे खड़ा हूँ, मेरा ध्यान रखना। किशन मुरारी जी की जय, रास बिहारी जी की जय, राधे किशन जी की जय, भज गोविंद।